मेरा दामाद मेच रे मैं पूछा यार मेरा दामाद मेच रे मैं पूछा मेरे मोहतरम सामईन हजरत मूसा अलैहि सलाम बड़िया नबिया तो अफजल ने लेकिन मेरे नबी तो नहीं। हजरत ईसा अलैहि सलाम बड़िया नबिया तो अफजल ने लेकिन मेरे नबी तो नहीं। इस वास्ते कि मेरे नबी नाल सल्लल्लाह लगता है हर नबी अलैहि सलाम लगता है। आदम भी अलैहि सलाम ने नूह भी अलैहि सलाम ने मूसा भी अलैहि सलाम ने और ईसा भी अलैहि सलाम ने मेरे नबी नाल तुहां की पढ़िया जदों पढ़िया हजरत मुहम्मद शुक्रिया शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। एक शेर भी पढ़ लो जरा मैं राग नहीं मेरा मौसीकी नहीं मेरी ठीक वरना मैं तुहानू सारे नाल ला लेना बलगल उला बे कमाल ही कशफत दूजा बे जमाल ही हसनत जमीयो सल्लू अलैहि व आलिहि। सोच ईसा मरियम दा बेटा होके नबी रसूल ते साहेब कलमा ते साहेब शरीयत होके मादी दे पिछे खड़ा है महदी कोल भी ते कोई ओदा है ना। वाह भाई वाह आबाद रहो भाई और यार कोई ना कोई तो ओदे कोल ओदा है ना। मेरा दामाद मेच रे मैं उन्हें पूछा यार सिपाही ने कई कई लाइस नाइक ने कई कैप्टन ने राशिद मिनास मसलन और मेजर अजीज पट्टी ये जनरल भी खलोते होंगे ना सलामत मेजर है वो तो जनरल खलोता है वो लेफ्टिनेंट तो उत्ते उदे कर्नल खलोता है या ब्रिगेडियर खलोता है तो सलामी देंगे ने उस आख्या उन्होंने को मैं क्या सिपाही है कितने जनरल वह कह लगा जी तुम पे गल करते हो तो निशान हैदर है निशाने एदा मतलब है उदा ऐसा भी हो सकता है कि बंदे बजाहिर छोटा होवे ते वड्डे वड्डे सलाम करन बजाहिर यार लाइस नायक और नायक और सूबेदार और मेजर और कैप्टन और ये सारे छोटे ने ब्रिगेडियर वड्डा है मेजर जनरल वड्डा है जनरल वड्डा है सदर पाकिस्तान इंज खलोते होंगे ने अजीज पट्टी की कबर ते मेजर शरीफ शहीद की कबर ते राशिद मिनास की कबर ते शेर खान की कबर ते अजे आप नहीं कबर ते अजे आप नहीं कबर ते अल्लाह दे बंदिया को बंदे दे पुत्र वाला काम किया हो तो कबर भी अलैह सलाम हो जाए यार अलैह सलाम का मतलब उत्ते सलाम किया जा रहा है यदा मतलब सलाम है निशाने निशाने मैनू उन्हें बंदियों से दुख है जेडे पाकिस्तान के शहादा जिन्हों को निशाने हैदर है उन्होंने सलाम कर गए ने जड़ा आप हैदर है उन्होंने अलैह सलाम भी नहीं हर उठाओ जी मैं उद्दे की गल कर लगा कई बार ऐसे ऐसे तमगे होंगे ने जिन्होंने व्डे भी सलाम कर दे यार व्डे ओ यार व्डे ओए व्डे भी सलाम करते हैं वो मैं दसना हजरत माधी को शह है सही वो जो ईसा पिछे खिलौना कोई शह है वह मैं दस लगा कि मैं दस लगा एक बार आखो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलैहि वो जो माधी अगे खिलोता है ना वो मुंडे ते एक सितार है जिसका ना है आलिहि। बहुत शुक्रिया बारीकी ना सुनो जरा उस्तार दा ना है आले ही क्यों महदी आगे खड़ा है ओ ईसा पैगंबर जरूर है मोहम्मद की आल नहीं है। क्या बात है थोड़ी क्या बात है हजरत ईसा रूहुल्ला है पिछले मरियम है मुर्दे जिंदा करते हैं लेकिन मादी के पास एक स्टार है उसको कहते हैं आले ही आले ही। अगर सल्लल्लाह और आले ही की अहमियत एक जैसी ना हो मैं लफ्जों का चुनाव किया है सल्लल्लाहु अलैहि हजूर है सल्लल्लाह उनकी नस्ल है आले ही अगर स्टेटस बराबर ना हो मैं तेनू करके देना सल्लल्लाह दा ते आल दा स्टेटस बराबर करके देना सल्लल्लाह ने शबे मेराज नमाज पढ़ाई ईसा वहां भी पीछे था जब आले ही जमीन पर पढ़ाएगी तब ईसा पीछे इन वादने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आ गया मैं मौला अली तक। हाँ दुनिया बताए ये जो आले ही है आले ही के डर से
अरब के बद्दू नबी को अबतर कहते थे। आल ना आ जा कितने दुनिया थे, उन्होंने पुत्र फौत हो गया, होवल अबतर होवल अबतर होवल अबतर। अल्लाह ने फरमाया बकवास करो तो 100 मरतबा करो, ये अबतर नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाया इन्ना तो आयना कर कौ सा फसल ले रब का मरहार इन्ना शान या का होवल अबतर, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा, हमने तुझे कौसर अदा की है। पीर करम अली शाह इरशाद फरमांदे ने, करम अली शाह बेरा शरीफ वाले ज़ियाउल कुरान, और फरमांदे ने हर नबी की नस्ल उसके बेटे से चली थी और आखिरी नबी की नस्ल उसकी एक बेटी से। नहीं नहीं कोई तुहा सुने, उसकी एक बेटी से। बेटियां 4 हों या 1000 हों, नस्ल एक से। बोलो भी बोलो, एक से। और उस बेटी को जहरा कहते, उस बेटी को जहरा कहते। अल्लाह ने फरमाया ये मरियम की तरह नहीं रहेगी, इसकी शादी होगी। जो शादी के बगैर बतूल हो वो और है, जो शादी के बगैर बतूल हो वो और है, जो शादी के समेत बतूल हो वो और है। फिर अल्लाह ने फरमाया हबीब इसका निकाह मैंने अर्श पे तय कर दिया, मैंने अर्श पे कर दिया है, तू फर्श पे कर दे। अली अलैहिस्सलाम ने बुला के पैगंबर ने फरमाया या अली अगर तू ना होता तो फातिमा का कुफ्र नहीं आएगा। सर उठाओ मैं अली बन गया, आ गया मैं करीब। अगर आप ना होते तो फातिमा का कुफ्र भी कोई नहीं था। कुफ्र बंद ने बराबरी नू, बराबरी नू, तेरे बराबर आने वाला कोई नहीं था। नबी पाक ने हैदर करार का मत्था चुमया, हजरत अब्बास ने पूछा या रसूल अल्लाह इतना एडी मोहब्बत कर दे वाली नाल, अजिदी मैं वेना पिया। हजूर ने फरमाया अजे तो तू उन्हूं नहीं वेख्या जरा दिसदा नहीं, वह किन्नी करता सदका जावा। वो कहन लगे अल्लाह भी अली नाल इन्नी मोहब्बत करता तुहाडे च नहीं। फरमाया मेरे च नहीं किवें कर सकता। नबी पाक ने फरमाया मेरे च नहीं किवें करेगा, मेरे उहदे च फर्क कोई नहीं। वो कहन लगा फिर किवें किवें कर दे। पैगंबर ने फरमाया मैं करता हूं अपनी हैसियत के मुताबिक, वो करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। हो सके या रसूल अल्लाह अली भी अली ना तौहीद भी मोहब्बत करे ते नबूवत भी मोहब्बत करे। वजह की है जिंदगी हैदर करार दे बंदे बराबर लेने की कोशिश ना करी। पैगंबर ने फरमाया ये है ही एक, ये है ही एक। उन्हें क्या हजूर जरा फरमाए ताकि मैं आगे बयान करूं। हजूर ने फरमाया आदम से लेके कयामत तक हर बंदे की नस्ल उसकी अपनी सुलभ में है, मेरी नस्ल इसकी सुलभ में। तो क्या बात है,